सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कुसुम रावल स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी सुबह की लगभग 10 बज चुकी है और आज बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बाहर का मौसम काफी मस्त हो रखा है और हल्की सी धूप लगी हुई है आज। और प्रियांशु भी यहाँ पे रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्रियांशु का क्या बोलते हैं जहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ा है, बोर्ड का सेंटर पड़ा हुआ है ना, जिसका एग्जाम सेंटर बहुत दूर पड़ा हुआ है बोर्ड का, तो वहीं जा रही हूँ। स्कूल का पता नहीं है हमें कि कहाँ पे है, तो इस चक्कर में हमने ऑटो वाले को बोला, तो ऑटो वाला ही हमें लेके जाएंगे। तो ऑटो भी आ चुका है हमारा, तो चलते हैं। अभी हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं और ऑटो घर पे ही बुलाया हुआ है क्योंकि ऑटो से ही जाना पड़ेगा, स्कूल तो हम लोगों ने देखा नहीं है उस चक्कर में। और यहाँ पे भी दीदी जी ने अभी कॉल किया कि ऑटो वाला कब आ रहा है। अम्मा आपकी सिद्धि, हाँ अम्मा, अम्मा की सिद्धि कहाँ, किधर को चले, किधर को? ओ ये है ना शादी में, बड़ बेटा, हाँ शादी में, हाँ घर घर में शादी, तो अम्मा जी शादी में जा रहे हैं। ऑटो भी आ चुका है और अभी हम लोग चलते हैं ऑटो में। बाय 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 बाय। अभी हम लोग तिनाली में पहुंच चुके हैं, नेफा तिनाली। काफी दूर है भैया स्कूल तो, आयो इतना दूर कैसे पड़ गया इनका सेंटर। रोड से होते हुए हम पहुंचे स्कूल वाली रोड पे, और स्कूल वाली रोड पे जो सामने ये रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ये है स्कूल। तो आजकल स्कूल में चल रहे हैं एग्जाम, तो अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने दूर से ही स्कूल देखा। और क्योंकि अंदर जाना नहीं था तो फिर दूर से देख के हम लोग वहाँ से वापस हो चुके थे। और गाँव में मतलब दो रास्ते हैं, तो ये गाँव का रास्ता है, गाँव के रास्ते से होते हुए हम घर की ओर आए। तो ये मेरा नेक्स्ट दिन का वीडियो है, इसमें मेरे बच्चे का एग्जाम फर्स्ट एग्जाम था, तो मैं यहाँ पे जल्दी उठ के नहा धो के यहाँ पे खीर बना रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान को भी भोग लगाना चाहिए और अच्छा कार्य हो तो उसमें भी मतलब बच्चे का एग्जाम हो या कोई शुभ कार्य कुछ भी हो तो मीठा खिला के ही भेजना चाहिए। तो मैंने सोचा यार फटाफट खीर बना लेती हूँ और यहाँ पे पूजा भी करने बैठ गई थी कि, और भगवान जी को भी मैंने भोग लगाया, पूजा की। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने बेटे पर टीका लगाया और अच्छे से वो तैयार हो चुका था, तो मैं उसको बोल रही थी बिल्कुल भी होपलेस मत होना, क्योंकि होता ही है अभी पहली बार अपने टीचर ने, अपने दूसरे टीचर होते हैं, स्कूल दूसरा होता है, तो बच्चा थोड़ा नर्वस था। तो मैं भी यहाँ पे दीदी मेरे पर टीका लगा रही थी, तो मैंने कहा यार मतलब मैं भी थोड़ा नर्वस तो थी, बहुत दूर जा है स्कूल, तो मेरे बेटे के लिए मतलब ऑटो लगा रखा था, तो ऑटो तो आ ही चुका था। तो मैंने उसको कितना बोला प्रियांशु मैं भी आती हूँ तेरे साथ स्कूल तक, क्योंकि पेरेंट्स लोग जाते ही हैं फर्स्ट पेपर के दिन, तो प्रियांशु ने बिल्कुल भी मना कर दिया। तो हम यहीं से प्रियांशु को बेस्ट विशेस दे रहे थे दीदी और मैं।